तो ये वीडियो बाहर शूट करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे गांव में अभी लाइट नहीं है। 2 दिन से बारिश हो रही है तो लाइट नहीं आया, तो ये वीडियो बाहर शूट करना पड़ रहा है, तो बैकग्राउंड को इग्नोर करना। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि BSNL को 4G को लाने में 2025 चला जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि अभी एक वीडियो आया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि BSNL 5G के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। BSNL ने 5G को डेमो भी कर लिया है जिसमें हमारे टेलीकॉम मिनिस्ट्री श्री ज्योतिरादित्य जी है वो वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, जो कि 5G के थ्रू किया जा रहा था। मतलब कि BSNL है वो 5G को टेस्ट कर रहा है, तो जल्दी 5G और 4G साथ में लॉन्च कर सकते हैं। हम लोग तो सिर्फ यही सोच रहे थे कि 4G कब आएगा BSNL का, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 4G के साथ साथ में 5G भी आ सकता है इंडिया में, क्योंकि BSNL है वो डेली बेस पर काम कर रहा है। जैसे कि कोई कंपनी होती है तो वो काम करता है कि इतने साल में इतना काम करना है, साल का टारगेट लेता है या फिर महीने का टारगेट लेता है, लेकिन BSNL यहाँ पर वैसा नहीं कर रहा है। BSNL डेली बेस पर काम कर रहा है, मतलब डेली हमको इतना टारगेट पूरा करना है, वो डेली टारगेट पूरा कर रहे हैं। तो लगता है कि BSNL में 4G और 5G साथ में आ सकते हैं। देखो अब कुछ लोग बोलेंगे कि BSNL 4G और 5G को साथ में कैसे लॉन्च कर सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 4G और 5G को साथ में लॉन्च कैसे किया जा सकता है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो नेटवर्क होता है 5G नेटवर्क होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है स्टैंड अलोन नेटवर्क और दूसरा होता है नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क। ये 2 तरीके के होते हैं। तो स्टैंड अलोन में होता है कि ये जो होता है कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नेटवर्क होता है, जो कि कम्प्लीट इंडिपेंडेंट नेटवर्क पर काम करता है, जो कि 5G होता है, इससे 4G का कोई भी संबंध नहीं होता है। लेकिन वहीं पर दूसरी चीज़ होती है नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क, जिसमें होता है कि ये 4G बेस्ड पर काम करता है, मतलब कि ये जो 5G है ये 4G बेस्ड पर काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क है, इसके बेसिस पर 4G और 5G को लॉन्च किया जा सकता है और लगता है कि ऐसा ही होगा। ये जो नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क है इसी के थ्रू हम लोग को 5G और 4G साथ में लॉन्च किया जाएगा और हम लोग 5G को और 4G को एक साथ में देख सकते हैं BSNL में, क्योंकि नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क होता है ये 4G बेस्ट पर होता है, जो एग्जिस्ट 4G होता है उसी के बेस्ट पर ये 5G काम करता है। तो हम लोग को 4G और 5G इंडिया में BSNL के थ्रू एक साथ में देखने को मिल सकता है। और स्टैंड अलोन नेटवर्क होता है ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नेटवर्क होता है, जिसके लिए कंपनी को नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगवानी पड़ती है, तब ये हमको 5G नेटवर्क प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क में ऐसा नहीं होता है, वो एग्जिस्टिंग 4G बेस पर ही काम करता है। तो जैसे कि जियो है ये स्टैंड अलोन नेटवर्क पर काम करता है और एयरटेल है वो नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क पर काम करता है। तो यहाँ पर BSNL भी वही करेगा शायद, लगता है कि BSNL नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क पर काम कर रहा होगा, जिससे हम लोग को अभी 5G का जो डेमो दे दिया गया है, जिसमें जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्ट्री है वो वीडियो कॉल पर बात करते नज़र आ रहे हैं, 5G कॉल के थ्रू बात कर रहे थे, वो वीडियो बोलते भी हैं। तो हम लोग लगता है कि अब 4G और 5G BSNL के तरफ से जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि BSNL बहुत फास्ट काम कर रहा है। अब जब से ये जियो एयरटेल और वोडाफोन वाले अपने रिचार्ज प्लान को महंगे किए हैं, तब से BSNL है वो अपने काम पर ध्यान दे दिया है और ये डेली बेस पर काम कर रहे हैं, अपना टारगेट है वो डेली पूरा कर रहे हैं। तो अब हम लोग को लगता है कि BSNL की तरफ से 4G और 5G जल्दी देखने को मिलेगा। देखो जिस तरीके से एयरटेल जियो वोडाफोन वाले अपने रिचार्ज प्लान को महंगे करते जा रहे हैं, ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है, ये रिचार्ज प्लान को महंगे करते जा रहे हैं, ये एक तरफ से मानो तो मोनोपोली चला रहा है अपना ये इंडिया पर। तो इसको ख़त्म करने के लिए सरकार को तो खड़ा होना ही पड़ेगा, सरकार को भी अपना एक नेटवर्क रहना चाहिए था जो कि BSNL था, लेकिन इस पर वो काम नहीं कर रहे थे, वो इस पर बहुत स्लो काम कर रहे थे, अब ये फास्ट काम कर रहे हैं। तो इससे देखो क्या होगा, ये जो टेलीकॉम कंपनी है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है ये अपने प्राइसेस को घटाएंगे या फिर उनका मोनोपोली को ख़त्म करेंगे, जैसे कि हमारे पास एक और ऑप्शन होगा BSNL। तो इससे BSNL की ओर लोग जा रहे हैं और जाएंगे भी शायद फ्यूचर में। तो इससे हुआ कि एयरटेल जियो वोडाफोन वालों का मोनोपोली टूट जाएगा और वो रिचार्ज प्लान को सस्ते भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे पास ऑप्शन था लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा था। तो अब सरकार ने भी ध्यान दे दिया है BSNL की ओर और BSNL पर पूरा फोकस से काम कर रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि BSNL 4G 5G क्या प्रोवाइड करता है। तो जब 4G 5G प्रोवाइड करवा देंगे तब देखते हैं ये प्राइवेट कंपनी है वो अपने रिचार्ज प्लान को सस्ते करते हैं या फिर नहीं। बाकी आप लोगों की तरफ BSNL का नेटवर्क आ रहा है कि नहीं ये कमेंट में ज़रूर बताना, हमारे तरफ तो BSNL का नेटवर्क नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने 5G को टेस्ट नहीं किया है, 5G तो अभी टेस्टिंग पर चल रहा है, 4G को टेस्ट नहीं किया है। तो जैसे ही हम लोग की तरफ BSNL का नेटवर्क आ जाएगा तो मैं वीडियो बना करके दिखा दूंगा कि BSNL का नेटवर्क कैसा चल रहा है हमारे तरफ। बाकी आप लोग की तरफ कैसा नेटवर्क है BSNL का ये ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप लोग की तरफ BSNL का नेटवर्क है तो BSNL में सिम पोर्ट करवाओ और BSNL को सपोर्ट करो।
प्रोफेशनल का भी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी अगर आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल प्रेस करना ऐसे वीडियोस देखने के लिए। बाकी आप लोग समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको इस वीडियो में क्या बताया, नया स्टैंडर्ड लोन नेटवर्क क्या होता है, स्टैंडर्ड लोन नेटवर्क क्या होता है समझ में आ गया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।